बताएं सर सेलो वर्ल्ड छोटे और रीजनेबल लिस्टिंग गेंस और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आई पे में पैसा लगाने की राय है लिस्टिंग पर छोटा मोटा मुनाफा मिल सकता है और मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो थोड़ा बेहतर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा रहा तो लिस्टिंग पर मुनाफा तो मिल जाएगा लेकिन छोटे से हल्का रीजनेबल मुनाफा मानकर चलें और इस स्टॉक को आप दो से तीन साल के व्यू के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से पैसा लगा सकते हैं अच्छी बात है क्या प्रोमोटर्स बहुत मजबूत है और ब्रांड सेलो ब्रांड किसी इंट्रोडक्शन की, की जरूरत नहीं है लगभग हर एक घर में आपको कहीं कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट्स इनके दिख ही जाएंगे आ, ये ब्रांड और प्रोमोडक्स दोनों ही बड़ी स्ट्रांग पेरेंटेज के साथ हैं अब तक का ग्रोथ आ, बहुत ही मजबूत रहा है और आगे के लिए आउटलुक भी काफ़ी बेहतर है क्योंकि जिस तरह से कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो बेहतर प्रोडक्ट्स की तरफ रूरल डिमांड सेमी अर्बन डिमांड ये काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है पिछले तीन साल का जो हमारे पास में है बेहद मजबूत ट्र। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें बेहतर होने की उम्मीद अभी भी आप आगे चल के कर सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दीपे कि प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में या कंपनी के अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन नहीं है आमतौर पर कम देखने को मिलता है वैसे एक विम प्लास करके ऑलरेडी एक कंपनी है जो प्रोमोटर्स की लिस्टेड है जो इसकी सब्सिडी है सेलोवर्ड की सो so, ओवरऑल ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनके दम पर आपको आगे ग्रोथ भी मजबूत दिखेगी बैलेंस शीट मजबूत है और Uh, आगे के लिए भी आउटलुक ठीक है नेगेटिव्स क्या है uh... ये अपनी तरह की इस बिजनेस की पहली लिस्टेड कंपनी होगी और कोई सीधा डायरेक्टली लिस्टेड प्लेयर है नहीं, नहीं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन बहुत है इस स्पेस में उनकी तरफ से कंपटीशन आता तो थोड़ा प्राइसिंग इशू वगैरह ये रहता है वो बिजनेस की एक आप ये कह सकते हैं दूसरी तरफ ये है कि एक और जो आई से जो पैसा आ रहा है उन्नीस करोड़ का वो पूरा का पूरा प्रोमोटर्स को जा रहा है कंपनी को नहीं कंपनी चूंकि कैश रिच है कैश फ्लो पॉजिटिव है इसलिए शायद वहाँ जरूरत नहीं है लेकिन ये पैसा पूरा प्रोमोटर्स की तरफ जा रहा है वैल्यूशन है मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत महंगे लेकिन बहुत सस्ते हों वैसा भी नहीं है आ, अगर थोड़ा और सस्ते करते हैं तो मैं बड़े लिस्टिंग गेन के लिए कहता लिस्टिंग गेन अब भी बन जाएंगे सत्तर सैंतालीस के पी मल्टीपल के आसपास पास स्टॉक एफ आई के अर्निंग पे आ रहा है लेकिन एफ आई ट्वेंटी सिक्स पे देखें तो ठीक है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है दी चौबीस पच्चीस के मल्टीपल पर भी इज़ रीजनेबल आज के ज़माने में सो इसीलिए मैंने कहा कि दो तीन साल का व्यू हो तो आपको आई महंगा नहीं लगेगा और उस हिसाब से आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिहाज से बन सकता है सो छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए आप